हेलो गाइस, मैं हूँ जितेंद्र और आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब गोकुल धाम पुरुष मंडली और टप्पू सेना की पोल खुलने वाली है, क्योंकि अब इन दोनों की किस्मत की डोर है नट्टू काका के हाथों में। अब देखते हैं नट्टू काका इन दोनों को किस तरीके से नचाते हैं। जैसा कि जेठलाल का प्लान था कि नट्टू काका सोसाइटी में ज्योतिष का वेश बनाकर आएंगे और वो गोकुल धाम वालों और खासतौर पर भिड़े से बोलेंगे कि उसका स्कूटर दोपहर के 3 बजे गोकुल धाम के आसपास में ही मिल जाएगा। जेठलाल ने अपना ही प्लान जब नट्टू काका को फोन पर समझाया तो नट्टू काका ने जेठलाल का प्लान तुरंत रिजेक्ट करते हुए बोले, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप बस इतना बताइए कि भिड़े का स्कूटर इस समय पर कहाँ पर है। तो इस पर जेठलाल ने बोला कि इस समय भिड़े का स्कूटर सोडी के दोस्त के गैरेज में रिपेयर हो रहा है, और फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में दोनों बातें करने लग गए। लेकिन यहाँ पर जो नट्टू काका हम बात कर रहे थे वो भिड़े के स्कूटर की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। जेठलाल ने ये तो बता दिया कि भिड़े का स्कूटर इस समय सोडी के दोस्त के गैरेज में रिपेयर हो रहा है, लेकिन वो गैरेज कहाँ पर है ये बताना भूल ही गया। गाइस, ये बात तो कन्फर्म है कि इस समय नट्टू काका के प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले नट्टू काका जेठालाल के प्लान के अनुसार चलने वाले थे, लेकिन नट्टू काका की जीत के कारण जेठालाल को उनकी बात माननी पड़ी। तो जो पहले का प्लान था वो था जेठालाल का, जिसके कि सक्सेस होने की थोड़ी बहुत संभावना थी, लेकिन इस समय प्लान है नट्टू काका का, और प्लान क्या है इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। और नट्टू काका अपने प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सोडी के दोस्त के गैरेज की लोकेशन पूछना ही भूल गए। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि नट्टू काका का प्लान सक्सेस होगा या फिर होगी कोई गड़बड़? सो गाइस, आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है करण का धमाका ने, सर आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? सो भाई, अगर फेवरेट यूट्यूबर की बात करें तो सारे यूट्यूबर मेरे फेवरेट हैं। सारे यूट्यूबर अपनी अपनी जगह पर अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं। सो सारे यूट्यूबर अपने कंटेंट को अच्छा दिखाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो मैं किसी एक का नाम लूँ तो गलत है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन।